जो ये यंग एज के लड़के लुकेरे, अरे मिश्रा जी जिसकी बात आप कर रहे हैं, बिना नंबर के बिना हेलमेट के, अरे सब चोरी करते थे, कितने लोग चोरी करते थे मिश्रा जी, कितने लोग चोरी करते थे, हर आदमी चोर नहीं है, सरकार हर पता तब चलता है जब एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कोई डर के मारे अपने, इतना मजाक इस एक्ट का चल रहा है देश के अंदर कि लोग घरों में भी हेलमेट लगा के सो रहे हैं, नहीं, 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 कोई, कोई बंदर को हेलमेट लगा के जा रहा है। अरे साहब मैं आपको बताऊं, ये क्या तरीका है, आप मजाक कर लो लेकिन अगर जिंदगी जिस दिन आपके साथ मजाक करेगी ना उस दिन आपको फिर हंसने और रोने का वो नहीं मिलता है। मिश्रा जी एक मिनट, मिश्रा जी जो लोग अनुशासित है उनको चालान से डरने की जरूरत ही नहीं है। देखिए मैं दो पक्ष है, पुलिस वाला हम बाद में करेंगे। हाँ। एक ऐसा तर्क है जिसके बेसिस पे मैं ये बोलूंगा कि ये चालान की जो भारी भरकम जुर्माना था, राशियां था, ये सही था। भाई या तो आप हेलमेट लगा के गाड़ी से गाड़ी चला लो सुरक्षित होकर के, या पुलिस से चालान कटवा लो, नहीं तो किसी न किसी दिन यमराज जरूर आपका चालान काट देंगे। बिल्कुल, आप माइक लेके जाइए और इमीडिएट उस आदमी के पास जाइए जिसका एक्सीडेंट हुआ हो, सर फटा हो, आईसीयू में पड़ा हो और उसके परिवार वाले हो और डॉक्टरों ने बोल दिया हो कि बचने की गुंजाइश नहीं है, और उससे ये क्वेश्चन पूछिए कि भाई अगर तुम 10,000 रुपए का चालान दे देते तो तुम्हारी जान बच जाती, एक्सीडेंट बच जाती, तुम उसको एक्सेप्ट करते कि आज हॉस्पिटल में पड़े रहना और मौत के झूले पे झूलना? तब उसका प्रिफरेंस देखिए क्या है। पता तब चलता है जब एक्सीडेंट हो जाता है और सेकंड के हजारवें हिस्से में एक्सीडेंट हो जाता है। आप कितने एक्सपर्ट ड्राइवर हो, जब एक्सीडेंट होना होता है तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर नहीं सकते। जनता जब नहीं जागरूक है तो सरकार का दायित्व तो है। रही बात पुलिस के जो गुंडागर्दी की है, तो पुलिस को कहीं किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि छोटे चीज के लिए आप अपना अमानवीय चेहरा जो है पहन लो, आप मानवता का साथ छोड़ दीजिए। लात से मारना, ये तो मैं हमेशा बोलता हूं, बिहेवियरल रिफॉर्म केवल पुलिस नहीं, हर महकमे में इवन नेता लोगों के आप बोल देखिए कैसे कैसे बोलते हैं, इतने शर्मनाक चीजें बोलते हैं, पुलिस वाले हाथ उठाते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसको मैं कहीं फेवर नहीं करता हूं। इनके ऊपर उतना सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चालान काटने से भी ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो पब्लिक के साथ सड़क पे मिसबिहेव करते हैं बिना किसी गलती के। पुलिस के पास बल है, उनको ताकत दी है, तो वो दुष्टों के साथ यूज करने के लिए दी गई है, न कि बच्चों के साथ या किसी के साथ। कभी कभी मजबूरी भी समझा करिए किसी की, ऐसा नहीं है कि आप चौराहे पे मारना आपने शुरू कर दिया। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं और ऐसे लोगों को ताउम्र, दे आर नॉट मोरली, दे आर नॉट फिट फॉर द सर्विस और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, मोरल कैरेक्टर लिखा जाता है हर जगह, उसके हिसाब से ये फिट है ही नहीं अपने जॉब के लिए। किसी को कोई डर के मारे अपने, इतना मजाक इस एक्ट का चल रहा है देश के अंदर कि लोग घरों में भी हेलमेट लगा के सो रहे हैं, नहीं, 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 कोई बंदर को हेलमेट लगा के जा रहा है। अरे साहब मैं आपको बताऊं, ये क्या तरीका है, मजाक कर लो लेकिन अगर जिंदगी जिस दिन आपके साथ मजाक करेगी ना उस दिन आपको फिर हंसने और रोने का वो नहीं मिलता है। मिश्रा जी एक मिनट, मिश्रा जी जो लोग अनुशासित है उनको चालान से डरने की जरूरत ही नहीं है। सर धर्मवीर जी देखिए, सवाल मजाक लोग हर चीज का उड़ाते हैं, ऐसा ना हो कि जिंदगी आपके साथ मजाक कर दे। लोगों ने बहुत, तो मैं समझता हूँ कि ये बात सही नहीं। देखिए अजय वीर जी, जो यहाँ पर मंशा थी, जो क्लियर यहाँ पर सरकार भी कर चुकी है कि हादसे जिस तरीके से होते हैं सड़कों पर, जैसा कि अभी मिश्रा जी भी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर की तरह मोटरसाइकिल को उड़ाकर लोग ले जाते हैं, उससे जो हादसे होते हैं उससे तो बेहतर है कि हम जुर्माना देते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए इस डर से कितने लोगों के कागजात अभी तक बन चुके हैं, इस डर से कागजात। ये भी तो एक पहलू, आप ये बताइए एमबी एक्ट पहले भी था क्या, पुलिस भी यही थी, पुलिस पहले क्यों नहीं चेकिंग करती थी? आपने कहीं देखा पुलिस को व्हीकलों की चेकिंग करते हुए? क्योंकि एक भारी जुर्माना बढ़ गया है और इस जुर्माने में एक भ्रष्टाचार का काम होने वाला है। पुलिस भी भ्रष्टाचार कर रही है, पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है, इसलिए ज्यादा चेकिंग हो रही है। पुलिस पहले भी पुलिस यही थी, पहली बार चेकिंग क्यों नहीं होती थी? इसका पहले चेकिंग क्यों नहीं होती थी आप बताइए? इसका दूसरा सबसे बड़ा पहले भी था सर, सुनिए इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा, जो ये यंग एज के लड़के लुकेरे, अरे मिश्रा जी जिसकी बात आप कर रहे हैं, बिना नंबर के बिना हेलमेट के, अरे सब चोरी करते थे, कितने लोग चोरी करते थे मिश्रा जी, कितने लोग चोरी करते थे, हर आदमी चोर नहीं है, सरकार हर आम आदमी को चोर मानती है, हर आदमी चोर नहीं है, चोर उचक्के भी जो आप गाड़ी जो करके मिश्रा जी
देखना पड़ेगा। जो दिल्ली में भारी जुर्माना होने से अपनी बाइक जला रहे हैं, क्या वो चोर हैं? जो दिल्ली में एक ट्रक का जुर्माना 1,47,000 रुपए जमा कर रहे हैं, क्या वो चोर हैं? नहीं, सरकार ये मानती है, सरकार ये मानती है जो भी व्हीकल चला रहे हैं वो चोर है। अरे आपको पहले बोल दिया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस साथ में लेके चलो, आपको सुनाई नहीं पड़ा क्या? ऐसे लोगों को सब लेकर चलते हैं। मिश्रा जी, अजय वीर जी, प्लीज आप किसी की बात सुनते नहीं है, आपके साथ ये गलत बात है। आप ये बताइए, यही पुलिस पहले थी, एमबीएक्स भी पहले था, पुलिस पहले चेकिंग क्यों नहीं कर रही थी इतनी? आप देखिए इंदिरापुरम में जहां पर आप बैठे हुए हैं, पुलिस के चेकिंग की वजह से एक युवक की हत्या हो गई, पुलिस पर वहां मुकदमा दर्ज हो रहा है। उन ये पुलिस वाले चेकिंग के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चेहरे को मैं सेवा नहीं करता, चेकिंग के नाम पर भ्रष्टाचार पुलिस कर रही है। भ्रष्टाचार ये एक दूसरा मुद्दा है, पहले चेकिंग को फेवर, पहले चेकिंग क्यों नहीं हो रही थी? जिसको भ्रष्टाचार पहले भी था वो हर जगह पे भ्रष्टाचार कर रहा है। आप बताइए पहले भी एमबीएफ था, पहले चालान क्यों नहीं हो रहे थे? पहले चालान क्यों नहीं हो रहे थे? नियम का पालन करो, आपका चालान कौन सा पुलिस वाला कर देगा? एक मिनट मिश्रा साहब, अजय वीर जी हेलमेट करके कौन चालान कर देगा? मिश्रा साहब एक मिनट, अजय वीर जी सीधा सा फंडा है कि अगर आपको जुर्माना नहीं देना अपना कागज बनवा लीजिए, बात खत्म है। अब पुलिस की बर्बरता पर ये शब्द मत बोलिए, पुलिस की बर्बरता पर पहले बहुत लोगों ने बोला है और मैंने जवाब भी दिया है। मिश्रा साहब एक मिनट, एक एक करके आप लोग बोले, दिनेश जी बोलेंगे प्लीज। सर आप सवाल सुन ले उसके बाद जवाब दीजिए। दिनेश जी बोलिए। जी मैं कहना चाहता हूँ तमाम तमाम वक्ताओं की जो बातें निकल करके आई कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों ने भी इस एक्ट को लागू करने से मना किया और जहाँ लागू हुआ 10 दिन बाद हटा दिया गया और इनके ये उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई जुर्माने को कम करने के लिए। यही नहीं, मैं कहना चाहता हूँ जो मिश्रा जी कह रहे थे, एक बात उनको याद नहीं हुआ, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि कोर्ट को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए जिसका पालन करने में मुश्किलें सामने आए। तो अमित शाह जी क्या उस चीज को, अपनी कही हुई बात को भूल गए क्या? यहाँ पर दूसरा रास्ता है, दूसरा रास्ता है आपके पास, अपने कागजों को बनवा लीजिए। आपसे कोई वसूली नहीं करने जा रहा, आपकी जेब से पैसा निकाल कर आपकी घर से निकाल के नहीं लाएगा। मैं बना रहा हूँ ये जो पीएसपीएल के प्रवक्ता बने हैं, ये कानून आ जाने से 20 गुंडे लाठियां लेके सड़क पे नहीं चल पाएंगे, बाइक पे नहीं चल पाएंगे। आपकी पार्टी का हाल मैं जानता हूँ। मिश्रा साहब, दिनेश जी हम आएंगे, दोबारा लौट कर आएंगे। 40 स्पीड से आप नहीं चल पाएंगे। बात यहाँ पे जान बचाने की हो रही है, आपको हर जगह राज, अरे आपको मरना है तो मरो ना। कानून बिल्कुल, सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार क्या एमवी एक्ट में अब संशोधन जरूरी हो चुका है। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अली साहब, बहुत सारे सवाल यहां पर और जो तमाम पैनलिस्ट हैं उनसे इकट्ठा यहां पर हो चुके हैं और जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी अभी, सिद्धार्थनगर की तस्वीर थी और पहले भी मैंने बताया कि सिद्धार्थनगर ही नहीं, अभी इंदिरापुरम में भी एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। ऐसे तमाम हादसे हैं जो सामने आ चुके हैं जहां पुलिस का डंडा चला है। आप चालान काटिए, आपको जो प्रावधान दिया गया है उसका नियम का पालन, आपको डंडा चलाने का अधिकार किसने दिया? उत्तराखंड की तर्ज पर क्या उत्तर प्रदेश में भी अब सरकार यह मानेगी, इस पर विचार विमर्श करेगी कि वाकई में जुर्माना आपने बहुत ज्यादा तय किया है? अली साहब से ये राज को अपने अपने अधिकार, जो भी राज्य उनको अपना अधिकार। जी सुष्टि जी, जो भी सरकारी राज सरकारें हैं उनको अपना अपना अधिकार है, किस हिसाब से लागू करती है। तो ऐसे कोई सुझाव आएंगे बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर काम करेंगे, क्योंकि जनता के हित की जहाँ तक की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, तो सारी चीजें सारे पहलू को देखे देखे जाते हैं। तो जो पहलू होते हैं उसको देखना चाहिए और समझना चाहिए। मुझे लगता है कि जब कानून बनता है तो उसमें बहुत से कोई अपने अपने लोग सुझाव देते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं, तो सब लोगों को आगे आना चाहिए। और आपने देखा किसी ने 15 साल के लड़के को अपने गाड़ी दिला दी, किसी ने 14 साल के लड़के को दिला दी कि मेरा बच्चा तो अब हाई स्कूल में पहुंच गया है, ये स्कूल जाता है, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करते हैं, अपने अपनी कार से भेजें, अपनी स्कूटर से भेजें। देखिए यहाँ पे 100% लोगों के पास गाड़ी नहीं है, 100% बढ़ी हो 25% लोगों के पास, 20% लोगों के पास गाड़ी है, बाकी 80% जो लोग हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सुष्टि जी एक बार नज़र डालना पड़ेगी।
और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सबसे बेहतर सुविधा हर गवर्नमेंट अपनी अपनी करती है, लेकिन लोगों ने तमाशा बना लिया, लोगों ने एंजॉय कर लिया। 90% लोग जवाब नहीं दे पाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसी भी एंजॉय के लिए होता है, इसी भी एंजॉय के लिए घूम रहे, कार से निकल गए, कहीं भी सफार से निकल गए, मोटरसाइकिल स्कूटी लेके निकल गए। देखिए वो जो एंजॉय हो रहा था, मैं आपको बता दूं, जो मजाक बन गया था कि 100 रुपया हेलमेट के दे देंगे, 200 रुपया उसका दे, उस मजाक को हमारी गवर्नमेंट ने खत्म किया है। अब कानून जो अभी दिखाया, आपने पहले आपसे कहा 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है, कोई भी कानून अपने हाथ में ले। हमारी सरकार बिल्कुल स्पष्ट नीति पे काम करती है, कर रही है। अली साहब देखिए, आपका आप आश्वासन दे रहे हैं, ये तमाम चीजें हो गई, उसके बाद आप जाहिर तौर पर आश्वासन इसी तरीके से देंगे, हम चलिए मान भी लेते हैं कि 24 घंटे के बाद ऐसे पुलिस वाले पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये कोई एक पुलिस वाला नहीं है अली साहब, कोई एक पुलिस वाला नहीं है, ऐसे तमाम है। आप ये तो नजर में आ गया सर, इसका किसी ने वीडियो बना लिया तो ये सामने आ गया, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका वीडियो ही नहीं बनता होगा, जो कभी हकीकत सामने आती ही नहीं होगी, तो इस चीज का फायदा आखिरकार क्यों उठाते हैं ये पुलिस वाले? कोई परमानेंट सलूशन कभी इनका होगा या देश की जनता खाली पुलिस की मार खाती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल होगा सृष्टि जी, जवाब मेरा आप ले लें। बहुत से पुलिस वाले जो हैं बहुत से अच्छा नेक काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप हम महफूज हैं, जिनकी वजह से आप हम महफूज हैं। कोई एक्सीडेंट होता है तो आवाम के लोग उठाने नहीं आते हैं उसको, वो पुलिस महंगी उठाने आते हैं, वही बाड़ी पहुंचाती है, यहाँ तक कि घर वाले हाथ नहीं लगाते, रागी हाथ नहीं लगाते, तमाशीन बनके उसको देखते रहते हैं और मजाक एक बना देते हैं और चले जाते हैं, नेतागिरी बाद में करते हैं उसके ऊपर। उसी नेतागिरी को हमने खत्म किया है। वो देखिए पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ परसेंट लोग हैं जो इस तरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरठ थाने में बुला करके फर्जी मुठभेड़ दिखा दिया जाता है सर, वही कुछ परसेंट लोग हैं जो धब्बा लगा रहे हैं, उन्हीं कुछ परसेंट लोगों पर कार्रवाई करनी है। एक व्यक्ति जो छोटे बच्चे के साथ में अपने बगल के गांव में जा रहा है, हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि साहब निशान खुलाकर कागज दिखा दूंगा, बगल के गांव का हूँ, उसको आप इतनी बुरी तरीके से कैसे पीट सकते हैं? तो यही कुछ 1% लोग हैं जो दिखाई भी देते हैं सर। धर्मवीर जी ठीक है, अली साहब होंगे आपके पास। धर्मवीर जी, सृष्टि जी, अभी भाई बीजेपी के प्रवक्ता अली साहब कह रहे थे कि पुलिस हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, मॉब लिंचिंग की कितनी घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की कितनी घटनाएं हो रही हैं, बिजनौर में दलितों को पानी नल से नहीं लिया दिया जा रहा, ये पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? ये माफियाओं के चंगुल में पुलिस प्रशासन फंस गया है। अरे स्वामी चिन्मयानंद क्या कर रहे थे? अरे भाई साहब हमें बोलने दीजिए, स्वामी चिन्मयानंद जी के खिलाफ 2 बलात्कार के मुकदमे दर्ज हुए, 1 बलात्कार के मुकदमे में योगी सरकार ने फाइनल रिपोर्ट लगवा दी, वो मुकदमा ही खत्म करवा दिया 2011 का, और अब दूसरे मुकदमे में पूरे देश में वीडियो वायरल हो रहा है। ये सरकार और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? अभी उन्नाव के केस में पुलिस प्रशासन के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणी की और ये कहा कि आपके यहाँ पर पीड़िता को जो है CRPF दे दी जाए। तो ये योगी जी की सरकार में पुलिस वाले सरकारी गुंडे कर रहे हैं और इनको माफिया जो राजनीतिक माफिया है, जो राजनीतिक माफिया है वो इनको पना दे रहे हैं। जब दो मुकदमा समाप्त नहीं हुआ था, मुकदमा 2019 में जो है 2 जातियों में बांटे जाएंगे, सिपाही से लेके DGP तक 2 ही जातियों के रहेंगे, तो न्याय जनता को नहीं मिलेगा, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस का न्याय हो और चाहे वो दूसरी पुलिस का न्याय हो। ये सरकार डबल इंजन की जो चला रहे हैं, सबसे पहले तो इन पे ही जुर्माना ठोका जाना चाहिए, इनकी बुलेट ट्रेन धुआं दे रही है। देखिए धर्मवीर जी, वो जुर्माना हम और आप यहाँ बैठकर तो लगा नहीं सकते। आपका ये आकलन, आपका आकलन ये कहता है, बीजेपी का आकलन ये कहता है कि आपकी और समाजवादी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्यों ने स्वयं बैठ रहा, उसको हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस हमारी मुठभेड़ कर रही है। सर देखिए, मौका सबको मिला, मौका सबको मिला सर, और आगे मिलने वाला है, आगे मिलने वाला है। जनता जुर्माना लगाएगी, जनता जुर्माना लगाएगी सर। इतनी हिम्मत नहीं थी कि कानून अपने हाथ में ले बहन जी के शासन में, तो ये पूरा देश देख रहा है। और ये लोग बीजेपी के लोग टीवी चैनलों पे आकर के सिर्फ प्रवचन देने का काम करते हैं और इनका कोई काम नहीं है। धर्मवीर जी देखिए, अपनी पार्टी के गुणगान करना अच्छी बात है, अपनी पार्टी के गुणगान करना अच्छी बात है सर, लेकिन
कल भी हमने इस बात पर डिबेट की थी, अतुल राय को शायद आप भूल रहे हैं, जो बलात्कार के आरोपी हैं, उन्नाव कांड का हाल होगा, रेप पीड़िता को जेल में बैठकर धमकी देते हैं, मायावती जी क्या कर रही हैं, आप पहले ये बताइए सर, वो तो सवाल है, आप पहले ये बताइए जेल के अंदर कब जाएंगे सर, आप पहले ये बताइए, पार्टी से कब निकालेंगे, किस बात का इंतजार बहन मायावती कर रही है, वो तो एक महिला है सर, मैं एक लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ, वो तो एक महिला है, अतुल राय को आप पार्टी से कब निकालेंगे, अतुल राय को आप पार्टी से कब निकालेंगे उस व्यक्ति को सांसद बनने का अधिकार है क्या सर? सर बहुत सारे उदाहरण है धर्मवीर जी, बहुत सारे उदाहरण है मुद्दे पर चर्चा करते हैं, ना रामराज आपके समय पर था ना इनके समय पर है, बात यहाँ पर बराबर, रामराज का नाम लेकर के आए थे, देखिए जुर्माना लगाना है, जुर्माना सरकार लगा, जनता लगाएगी सर, सरकार करा रही है, जनता लगाएगी सर, आप भी पार्टी से हटा दीजिए सांसद कहलाने लायक व्यक्ति नहीं है सर, ठीक है, धर्मवीर जी अब मुद्दे पर आ जाते हैं, हमेशा से रही है, पुलिस का बहुत बड़ा मानवीय चेहरा भी है, कुछ कृत्यों के कारण पुलिस को पूरे हर महकमे को नहीं जो है बदनाम करना चाहिए। रही बात जब आपकी सरकार थी, आपके पहले किसी और की सरकार थी, इस तरीके के यानी अराजकता के पुलिस के खिलाफ जो केसेस होते थे, उदाहरण थे, आते रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही लोग डिबेट में बोलते हैं कि हर साल अपराध बढ़ते गए हैं, सरकार किसी की भी रही हो आप उठा के देख लीजिए, मतलब जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती गई है, कोई भी सरकार कम नहीं कर पाई है, आपके सरकार ने करंट सरकार ने भी पुलिस को जितना सक्षम बनाना चाहिए था, नैतिक रूप से आर्थिक रूप से उनके शस्त्र वगैरह, आप ये देखिए पुलिस डिपार्टमेंट के जो अपने प्रॉब्लम है उनको देखिए, उनके शस्त्रों का आधुनिकीकरण होना चाहिए, भर्ती जब होगी तो पता चला लाइन लगा करके एक खास विशेष वर्ग को ही भर्ती किया जाएगा, पुलिस प्रशासन पुलिस डिपार्टमेंट सुरक्षा से संबंधित है सर, किसी भी सरकार को वहां पे जरा भी अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा सबसे बेसिक जरूरत है देश के, वैसे ही पुलिस इतनी कम है, उसको नेता लोग पार्टियां अपने अपने टाइम पे अपने चंगुल पे ले लेती हैं, एक एक विधायक के पीछे 10-10 थानों की हालत ये होती है, विधायक थाने में नहीं बैठते हैं, विधायक के घर पे जाके उनका ऑफिस खुलता है सुभ 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 मैं सबकी बात कर रहा हूँ सर, मैं केवल आपके पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की तरफ से बोल रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन को होना कैसा चाहिए, सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ दिन हुआ है आपको पार्टी बनाए हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या रहा है वो आप मत भूलिए, मिश्रा जी दिनेश जी आएंगे आप दोनों के पास में, आप सभी के पास आएंगे, ये जनता की सुरक्षा बिल्कुल। तो साफ तौर पर जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से इस वक्त पुलिस की बर्बरता की, यही तस्वीर सामने आ रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में, आखिरकार क्या इस एक्ट में संशोधन किया जाएगा, क्या दरों को कम किया जाएगा, ये वो तमाम सवाल हैं, हालांकि प्रयास और विचार विमर्श की कोशिश यहाँ पर सरकार की ओर से की जा रही है। अजय वीर जी, सृष्टि जी देखिए, जिस देश के परिवहन मंत्री, मैं आपके चैनल पर दिखाना चाहता हूँ, बगैर हेलमेट के वाहन चलाते हैं और उनका चालान नहीं होता और वो एक भारी जुर्माना इस एक्ट में लगाने का काम करते हैं, सबसे पहले तो चालान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का होना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि जो ये एक्ट लागू किया गया है इसकी जो जुर्माने की दरें हैं वे निश्चित रूप से कम होनी चाहिए, जनता को जागरूक करने के लिए सरकार के द्वारा एक अभियान चलाना चाहिए,
जिससे कि वो उसे समय देना चाहिए अपने कागजात अपने डीएल अपना हेलमेट सब दुरुस्त कराए और उसके बाद में ये एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए। तो कितना समय चाहिए सर अभी इन चीजों को दुरुस्त कराने के लिए? आपको एक व्हीकल लेते हैं और आप 18 साल से ऊपर हैं, 18 साल से नीचे तो आप एक्सीडेंट्स कितने होते हैं कैसे होते हैं आपने देखा है, और जब आप गाड़ी लेते हैं गाड़ी चला तो आप लेते हैं, लेकिन क्या आपको ये याद नहीं रहता कि उसके कागज कौन तैयार करेगा? उसके कागज के लिए भी अब डंडा चलाना पड़ेगा, डंडा ही चल रहा है सर ये भी, लेकिन उसके लिए मोहलत देने की क्या जरूरत है? क्या ये समझदारी नहीं है लोगों के अंदर? इतनी जनता को जागरूक करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। जहां सरकार जुर्माने की राशि बढ़ा रही है वहां सरकार को यह भी देखना चाहिए कि सड़क उत्तर प्रदेश में या देश में किस तरह की हैं, सड़कों पर भी ध्यान देना चाहिए, अपनी पुलिस जो है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और जनता पर एक ये तुगलकी फरमान एकदम से लागू नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, एकदम से लागू नहीं कर देना चाहिए, लेकिन अभी परिस्थितियां जैसे सामने आ रही हैं, जैसा हम सबके सामने है कि कई राज्यों ने लागू ही नहीं किया, कई राज्यों ने खत्म कर दिया, कई ने 10 दिन में खत्म कर दिया, तो अपने हिसाब से अपने अनुसार इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हो रहा है। ऐसा नहीं कि तानाशाही यहाँ पर है कि आपको देना ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे निकल जाएंगे हर राज्य में, एग्जाम्पल तो आपके सामने है। इसीलिए सृष्टि जी पहले केंद्र सरकार को सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर परिवहन मंत्रियों को बुलाकर एक बैठक करनी चाहिए थी, सहमति बनानी चाहिए थी, एक तुगलकी फरमान केंद्र से लाके वो राज्यों पर नहीं थोपना चाहिए था। और उसी का नतीजा है, उसी का नतीजा है फरमान सारे राज्य तो जो लागू नहीं कर रहे। आपको मानना ही पड़ेगा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने, इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने। जितने प्रतिपक्ष के विपक्ष के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं सबने कानून पढ़ा दिया, मानवता दिखा दी कि ये जी अन्याय है ये है, एक लाइन किसी ने नहीं बोला कि किसी की जान चली जाती है तो कैसे बचाएं। साहब कम से कम आप चलिए हटा दीजिए सारा नियम, इतना बोल दीजिए कि भाई जान कीमती है, आप डिसिप्लिन्ड हो जाओ, किसी कानून की जरूरत नहीं है, इतना तो बोल दीजिए। जान बचाने के लिए रोड पे जितने नेता लोग बैठे हैं किसी ने एक भी सलाह नहीं दिया किसी को अभी तक, बाकी कानून में ये कमी है वो कमी है ऐसे है वैसे है। सर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखिए आप। धर्मेंद्र जी, सृष्टि जी, ये जो मोटर वाहन एक्ट आया है, अगर किसी व्यक्ति की जान सड़क में गड्ढे की वजह से हो जाती है, सड़क में गड्ढे की वजह से हो जाती है, तो क्या सरकार उस ठेकेदार के खिलाफ, सरकार उस ठेकेदार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करती है? नहीं करती। ये बहुत सारे जो पहलू है, मानवीय पहलू, ये बहुत सारे पहलू है, जान माल की सुरक्षा सरकार का दायित्व है, लेकिन लेकिन जो सरकार जो अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि तुगलकी फरमान है, धर्मवीर जी मैंने बार बार कहा तुगलकी फरमान और तानाशाही अलग अलग चीज होती है, जबरन जबरन आपको लागू करवाया गया ये होता है तुगलकी फरमान, लेकिन हर जगह परिवर्तन आपके सामने है, परिवर्तन आपके सामने है सर। सड़क पे गड्ढे पे एक्सीडेंट हो जाने पे, यानी ये जबरन लागू कॉन्ट्रैक्टर है उस पे जुर्माना है। अरे कोई जुर्माना नहीं देता है, और टाइट करने की जरूरत है। मैं आपके इस बात को समर्थन करता हूँ, जो है पुल गिर गया, सड़कें ऐसी होनी चाहिए, वहाँ 9 आदमी मर गए, आज तक ठेकेदार अरेस्ट नहीं हुआ, आज तक ठेकेदार अरेस्ट नहीं हुआ, कितने सरकारी विभाग द्वारा निर्माण किए गए सड़क बिल्डिंग पुल वगैरह ऐसे है जो एक बारिश से गिर जाते हैं। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, सरकार किसी की भी हो, कि जनहित में लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए, इस एक्ट की वजह से लोग परेशानी का बहुत सामना कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार और सरकारी गुंडाई लोगों को सामने आ रही है, जो लोग प्रताड़ित हैं पुलिस से। ठीक है, चलिए अली साहब, यहाँ पर बात बार बार ये उठ रही है कि आपको तमाम राज्यों से बातचीत करनी चाहिए थी, तो क्या वाकई में ये जो फैसला लिया गया जुर्माना लगाने का, ये जल्दबाजी में लिया गया, जल्दबाजी में आकर इस फैसले को लागू किया गया, और अब उसमें लगातार हर राज्य में अपने अपने अनुसार संशोधन जारी है? देखिए, कोई जल्दबाजी में फैसला लिया हुआ नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो राज्य सरकारें अपने आप फैसला इसका ले सकती हैं, जो जल्दबाजी में गाड़ी चला रहे कानून उनके लिए, जो कभी हेलमेट घर पे भूल जाते थे, जो इंश्योरेंस भूल जाते थे, जो कागज भूल जाते थे, ये कानून उनके लिए है। जो सब सारी लेके चल रहा है उसे मालूम है कि हमें अपने 18 साल का बच्चा हो जाएगा, लेकिन उसको बनवा भी देना है, और उस रैली में जो है कोई हेलमेट लगा के नहीं चला था, सरकार ने कितने लोगों का चालान किया, वो सब बीजेपी के लोग थे, अलग रखिए, तो आपके आप जो है नितिन गडकरी खुद सारे मामला अलग रखिए, कल ही लखनऊ में तिरंगा हजारों आदमी इकट्ठा साहब की रैली में मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे हैं, पार्टी के लोग उनके लिए नहीं है, ये एक आम आदमी के लिए कानून है,
गाजियाबाद में पुलिस के डंडे से एक युवक की मौत हो जाती है, उसके लिए कानून है 30 रुपए। कैसे जेल में लोग मार दिए गए, कितने सीएमओ मार दिए गए, ये साहब बात कर रहे हैं बैठ के, आप बताइए मुझे आप। एक डंडे से पुलिस वाले ने गाजियाबाद में धर्मवीर जी, धर्मवीर जी अली साहब, धर्मवीर जी अली साहब, ये दोनों अलग अलग बातें। धर्मवीर जी, विपक्ष को प्रॉब्लम किस बात से कि कानून लाया गया, दिक्कत किस बात से है या पुलिस पर बढ़ता कर रही है इस बात से, दो चीजें आप बताइए। परेशानी हो रही है, दिक्कत इस बात से है। समाजी फरमान बहुत सारे सरकारों ने दिया है कि किसी को अगर एक जाति सूचक शब्द बोल दो या कोई झूठ भी बोल दे तो तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दो। चलिए ठीक है, मिश्रा जी सुनिए मेरी बात, बताइए बिना सुने जेल में डाल दो। अगर अगर किसी पे ये मुकदमा दर्ज हुआ तो उसकी मजिस्ट्रेट अफसर पहले चार्ज करेगा और उसमें गवाह चाहिए। ये ऐसे नहीं है तुगलक की फरमान चाहिए। अरे किसी ने भी धर्मवीर जी, कोई तुगलक की, क्या तुगलक की फरमान है? एक मिनट मिर्शा साहब, क्या तुगलक की फरमान है सर उसमें? आप अपने कागज लेकर चलिए, कौन आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है? आप अपने कागज लेकर चलिए, जेब पर रखिए अपने कागज, कौन